हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिया और वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिटनेस विद डॉक्टर कुमारी प्रिया पर। सो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो है, इसे ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आप सबके लिए नए नए वीडियोस वेट लॉस से रिलेटेड लेके आऊँगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपना वेट लॉस जर्नी शेयर करने जा रही हूँ कि आफ्टर प्रेगनेंसी मैंने कैसे 3 मंथ्स में 20 kgs अपना वेट लॉस किया। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल डाइट प्लान है, इसे आप आराम से आसानी से फॉलो कर सकते हैं। सो इसमें ना ही कोई तामझाम है, ना ही कोई अलग से चीज़ आपको है लेना पड़ेगा। जो भी घर में आपके बना है, जो भी किचन में बन रहा है, आप वो खा के और अपना वेट लॉस कर सकते हैं जैसे मैंने किया, और रिजल्ट आप सबके सामने है, देखिए मुझे। सो फ्रेंड्स, मैं अपना वीडियो अब स्टार्ट करती हूँ। मैं सवेरे उठते के साथ ही 8 से 9 कड़ी पत्ते के लीव्स छिओ करके और 2 गिलास गुनगुने पानी के साथ ले लेती थी। फिर उसके बाद फ्रेशन अप हो जाती थी। फिर उसके बाद शावर लेने के बाद 11 o'clock पे मैं अपना ब्रेकफास्ट करती थी, जो मैं ज़्यादातर सवेरे में राइस ही खाती थी। उस टाइम में तो राइस खा के मैंने अपना वेट लॉस किया है फ्रेंड्स। आप सबको विश्वास नहीं होगा लेकिन सच में ये बात सही है कि मैंने राइस खा के अपना वेट लॉस किया है। और ये रहा मेरा खाना। फ्रेंड्स, मैंने अपना यही प्लेन सिंपल खाना खा के जो घर में बनाया है वही मैं खाती थी। दाल, चावल, सब्जी, सैलेड, दही, यही लेती थी ज़्यादातर सुबह के खाने में। या कभी कभी मैं राजमा चावल ले लेती थी, या कभी मैं छोले चावल ले लेती थी, नहीं तो कभी मुझे पराठे खाने का मन है तो मैं पराठे बना के खा लेती थी। तो मैं ये सारे रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँगी, अपने पराठे का, छोले का, राजमा का, ताकि आप सब एकदम कम तेल में उसको अच्छे से बनाएं और एकदम खाएं, ताकि आप सबको एकदम आपके वेट लॉस जर्नी में मदद करें। मैं खाती थी सवेरे में और मैं अच्छे से खा लेती थी ताकि मेरा पेट लंबे समय तक भरा रहे और मुझे कोई भूख ना लगे और मैं फिर कुछ ना खाऊं। तो इसीलिए मैं अपना पूरे भरपेट खा लेती थी, वो आप सब भी खा लीजिएगा ताकि जल्दी आपको भूख ना लगे। और उसके बाद मैं सीधा 5 o'clock अपना टी लेती थी। टी में मैं कोई भी टी ले लेती थी, ज़्यादातर तो मैं ग्रीन टी ही लेना पसंद करती थी क्योंकि विदाउट शुगर मैं टी लेती थी, और विदाउट शुगर ही टी लेना चाहिए ताकि हमारे वेट लॉस जर्नी में ये मदद करे, क्योंकि शुगर बहुत वेट गेन करता है, तो हमें शुगर से, चीनी से दूर रहना है। ओके फ्रेंड्स, मैं ग्रीन टी लेती थी। तो ये रहा मेरी ग्रीन टी का रेसिपी, चलते हैं ग्रीन टी बनाने के लिए मेरे किचन में। ये मैंने चढ़ाया अपना कढ़ाई गैस पे और अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ और इसमें अब मैं डालूँगी 1 कप पानी। और अब ये पानी अच्छे से गर्म हो जाए तब तक मैं इसे कम करके, गैस कम करके रखूँगी। तो ये देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा उबाल आ रहा है, अब ये अच्छे से उबलने लग गया है। तो अभी अच्छे से उबल गया है तो अब मैं अपना गैस बंद कर दूंगी। इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने दें, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी में ग्रीन टी डालते ही इसकी पत्तियों के अंदर मौजूद कैटेजिन डैमेज हो जाता है। फिर इसके बाद इसमें 1/2 टीस्पून ग्रीन टी, या आपके पास ग्रीन टी बैग है तो वो डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स करिए ताकि इसमें अच्छे से ग्रीन टी का फ्लेवर आ जाए। और अब ये हो गया रेडी। अब मैं इसको छानूँगी अपने कप में। तो ये मैंने अपने कप में इसको छन्नी के द्वारा छान लिया है। और अब मैं इसमें मिलाऊंगी 1/2 टीस्पून हनी, और इसमें अब मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा लेमन। अब अपने स्वाद के हिसाब से आप इसमें थोड़ा सा लेमन ऐड करिए और फिर इसको अच्छे से मिक्स करिए। फ्रेंड्स, हमारा ग्रीन टी बनके रेडी है। अब देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, और ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और पीने में भी उतना ही टेस्टी है। ये विदाउट शुगर है। इस फैट कटर ग्रीन टी को एक बार आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए, ये आपके वेट लॉस में बहुत ही मदद करेगा। फ्रेंड्स, मेरी ग्रीन टी तो बन गई और मैं अपनी ग्रीन टी के साथ 5 बजे, दोपहर के 5 बजे अपना ग्रीन टी के साथ
एक छोटा बाउल भुना हुआ ब्लैक भुना हुआ चना या एक बाउल मुरमुरे यही लेती थी। और इसी के साथ मैं अपना जो हल्का फुल्का मुझे हंगर पेन होता था वो मेरा ख़त्म हो जाता था। और अगर बीच में अगर आपको हंगर पेन हो या कुछ भी हो तो आप पानी पीते रहिए, पानी पीना ही है, 3 से 4 लीटर पूरे दिन में पीना है पानी, ताकि उससे हमें भूख ना लगे ज़्यादा और हमारा वेट मतलब शरीर में कोई चीज़ का प्रॉब्लम भी ना हो। हमें पानी तो लेना ही है, 3 से 4 लीटर्स 1 डे में। उसके बाद फ्रेंड्स मैं अपना डिनर 8 o'clock लेती थी। 8 o'clock में मैं अपने डिनर में रोटी, 1 से 2 छोटी छोटी रोटी और सब्जी सैलेड यही सब खाती थी। ये देखिए मेरा नाइट का डिनर। तो सब्जी में मैं ज़्यादातर कहते हैं सोया चंक्स या कुछ भी जिसमें प्रोटीन से हो, पनीर की सब्जी यही लेती थी। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फिर आप एग बॉयल एग ले सकते हैं या बॉयल चिकन ले सकते हैं, तो ये कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन प्रोटीन लेना है हमें, क्योंकि हम दिन में बस 2 बार ही खा रहे हैं, 2 बार हमें खाना है, लेकिन अच्छे से खाना है ताकि हमारे शरीर में कोई किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो, हम अच्छे से वेट लॉस भी करें और अच्छे भी लगे, ना कि हम एकदम पतले से मुंह हमारा सूख जाए, अजीब से लगे, ये ऐसा नहीं करना है हमें। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान वेट लॉस का जर्नी था मेरा, और ये आप फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर और बहुत ही बढ़िया फ़ायदा होगा। सो फ्रेंड्स आप इस डाइट को एक बार फॉलो करके देखिए, आपको आपका वेट चाहे 100+ हो या 70 हो या 80 हो, कुछ भी नहीं आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने मन में बस बना लीजिए कि मुझे वेट लॉस करना है, मुझे वेट लॉस करना है, तो उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपको बस खुश रहना है और अपने वेट लॉस जर्नी को एंजॉय करना है, टेंशन नहीं लेना है, एकदम स्ट्रेस फ्री रहना है, तो एकदम मज़े से रहिए। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सब्सक्राइब के साथ 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 में जो एक बेल आइकन है उसे प्रेस करना जरूर, प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे आप सभी को मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगे और मेरे वीडियो से आपको फ़ायदा होगा ही, ज़रूर होना ही। आप मन में बना लीजिए कि मुझे वेट लॉस करना है मेरी तरह, तो वेट लॉस करिएगा। देखिए मैं कैसे मैंने अपना वेट लॉस कर लिया है, आप देख ही रहे हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू।